सर मैं इतना ही कहूँगा, मैं एंटर करते ही एक वाइब ना वो बहुत मैटर करती है, इतनी एनर्जी है सब में और इतना प्यार है कि सभी मुस्कुरा रहे हैं और मैं जब वेट कर रहा हूँ अंदर जाने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए सबसे। और रीना मेहता कॉलेज है, मैंने बहुत सुना है और आज आने का मौका भी मिल गया। मैंने बहुत किया सर, मैं सोचता नहीं था कि मैं जीतूंगा, मैं जीता जाता था, मैं सेकंड या थर्ड आता था, फर्स्ट नहीं आया कभी। मैं तो बहुत, मेरी लाइफ ही आई थिंक कॉलेज फेस्ट और स्कूल से मैंने शुरू कर दिया था। मैं अपनी लीडर होती थी फैशन शोज़ कराने में, डांस कराने में, सबको ड्रेसअप कराने में, घर से कपड़े वपड़े लेके जाती थी उस टाइम, बनाती भी थी। सो इनफैक्ट मैं अपने कल्चरल क्लब की प्रेसिडेंट भी थी। सो जब भी मैं कॉलेज में आती हूँ और फेस्ट देखती हूँ, आई गेट वेरी नॉस्टैल्जिक और मुझे मन होता है कि मैं खुद ही पार्ट ले लूँ, बिकॉज दोज डेज वर रियली द बेस्ट। यू नो कॉलेज डेज तो वापस नहीं आते। और एक बहुत अलग, जैसे सनी, बहुत अलग एनर्जी और एक्साइटमेंट होती है स्टूडेंट्स की, एंड स्टूडेंट लाइफ लाइक नेवर कम्स बैक। एक्साइटमेंट है और पता है जितना प्यार लोग दे रहे हैं, सबसे अच्छी बात है कि जब लोग कनेक्टेड हैं और इतना प्यार देते हैं हर एक हमारी मूवीज़ को और हर एक रोल जो हम प्ले करते हैं, आई थिंक वो एक एक्साइटमेंट डबल कर देता है। तो बस वेट कर रहे हैं रिलीज़ का। सर फिल्म इस बार कॉमेडी तो है ही, बट मॉम्स के आसपास रिवॉल्व होती है कहानी और कभी ज़्यादा दिखाई नहीं गई है, बट अब ह्यूमरस साइड से मॉम की नोकझोंक, मॉम का प्यार, मॉम का प्रोटेक्टिवनेस, हर चीज़ दिखाई जाएगी और बच्चे कैसे चुपके प्यार करते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, मॉम को मनाते भी हैं। हाँ, बहुत चीज़ें होती हैं, फैमिली पैकेज है बेसिकली। सर एक पंजाबी लड़का है और नॉर्थ साइड पे बेस्ड है कहानी, और आमतौर पे जैसे लड़के होते हैं और कॉलेज में कैसे आप देखो इस तरीके का है, और कहीं ना कहीं ममाज बॉय भी है और बड़ा नॉर्मल इंसान और नॉर्मल लड़का है। मेरे कैरेक्टर का नाम है सांझ और वो दिल्ली की एक लड़की है, कॉलेज गोइंग, इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ते हैं दोनों, पुनीत और सांझ, और वहीं से उनका रोमांस शुरू होता है। और जैसी देसी लड़कियां होती है, आई थिंक बॉम्बे की लड़कियां और दिल्ली की लड़कियों में फ़र्क भी बहुत होता है। लाइक मैं खुद को थोड़ा बॉम्बे का मानती हूँ और सनी और मैं, हम दोनों मतलब अर्बन सिटी से, कैलकटा, बॉम्बे, सो ऐसा कैरेक्टर मैंने प्ले भी नहीं किया है। सो वो देसीपन है उसमें, थोड़ी फायरी है, बबली है और बहुत बात करती है, और बस कैसे वो अपनी मम्मी से लड़के और बॉयफ्रेंड से कैसे मतलब उनको मिलाती है, कन्विंस भी कर लेती है, और एक बहुत क्यूट लव स्टोरी है। मैं एक्चुअली, मेरे को पता नहीं लगा, मैं कॉलेज में मतलब जब आया तो CR बन गया और मुझे भी नहीं पता किसने बना दिया, और मेरे को बोल, मैं उसके बाद मैंने बोला भाई क्यों बनाया है, तो कहते पता नहीं बस मस्ती की, उसके बाद शरारतें की, मतलब एक साल आई थिंक हार्डली मैं कोई कॉलेज में रहा हूँ, मैं करस्पॉन्डेंस की थी बिकॉज एक्टिंग डांस वांस था, क्लासेस गया हूँ, जब स्कूल में था तो स्कूल में टिकता नहीं था, हर शरारती बच्चे के जैसा मैं भी शरारती बच्चा था। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी, मैं ऐसी लड़की थी जिसको स्कूल जाना और कॉलेज जाना बहुत पसंद था, मैं रोती थी जब छुट्टी होती थी, सो आई यूज़ टू लव, मैंने पढ़ाई वढ़ाई में भी मैं काफ़ी ठीक ठाक थी, मतलब टॉप टॉप किया हुआ मैंने स्कूल का। इनफैक्ट मेरी टीचर्स मुझे बुला के बोलती थी, मैंने मॉडलिंग बहुत यंग एज से शुरू कर दी थी, सो दे वुड कॉल मी एंड से दैट यू आर सो गुड इन योर स्टडीज, सो तुम्हें क्यों ये सब करना है, तो ये सब मतलब ऐसे बोलते थे कि जैसे एक्टर्स तो इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकते। सो आई सेड आई नो कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, बट ये मुझे करना ही है। आई वॉज लाइक एन ऑलराउंडर इन अ वे। सर सबसे नहीं, मजाक कर रहा मैं, काफ़ी यहाँ होते थे क्रश, वैलेंटाइन डे जैसे आपने भी मनाए होंगे, तो वो मनाने के फ्रेंडशिप बैंड्स लेके घूमते थे कलर कलर के, या फूल लेके कोई मेरा दोस्त घूमता था, किसी की हेल्प कर देते थे या कभी ऐसे ही दे देते थे, तो बड़े एक प्यारे नोट था। इस बार नया ये है कि लास्ट टाइम से काफ़ी बड़े स्केल पे मृदंग हो रहा है, फिल्म स्टार्स आए हैं, फिल्म प्रमोशंस करने, आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम RMC, फ्रॉम स्टाफ, फ्रॉम स्टूडेंट्स, फ्रॉम एवरीबडी। आई विश कि इनकी मूवी 100 ने 200 करोड़ के क्लब में पहुंचे। आई विश इन दैट। और हम अगले साल फिर आए। यस, अगले साल फिर आए, आप हमारे मेन स्टेज पे, हमारे ग्राउंड पे आ पाएं। उसके अलावा मृदंग में इस बार सनबर्न कैंपस हो रहा है, जो मीरा भाईंदर के स्टूडेंट्स के लिए और मीरा भाईंदर की जनता के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आई डोंट थिंक सनबर्न आज तक कभी बोरीवली के आगे कभी आया है कैंपस, तो दैट्स अ बिग थिंग दैट वी आर डूइंग दिस ईयर, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ माय स्टूडेंट्स। दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एंड यू नो मैनेज्ड बाय द स्टूडेंट्स, सो इफ यू सी एवरीथिंग वॉट एवर इज हैपनिंग, सो स्टूडेंट्स प्ले अ वेरी की एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। Something about like what exactly in a family model things are there, like, there are lots of
So Mridang is an inter-college festival which has, you know, performing arts, which has management activities, which has cultural events like, you know, fashion show, you have dance, you have management quizzes, you have IT events, making a website, or you have a rangoli making, which is again a, you know, an Indian cultural thing. You have face painting. So like this, we have approximately 28 to 30 events. Indeed, we have cricket also, we have ring football also. So it's basically a mix of each and every aspects where a student can think of. So yeah. Students always wait for the annual fest. Yeah. So we've been preparing from past 4 to 5 months, because it's a very big event, and you know, preparations are required, because we send invitations to approximately 100 colleges from all over Mumbai. So that also takes time. Then, you know, we have a coordination due, you have a participation list that you have to maintain, you have sponsorship to take care of. So, you know, it's a very big thing. The 4 to 5 months is what we look at for the preparation. Something about the college, can you tell us, like, college started and yes, it's early, yeah. How long the college is college. College. How many students are there? What are faculty? Yeah. कॉलेज एक्चुअली 2000 में स्टार्ट किए, 97 से हमने ट्रस्ट फाउंड किया था. और कॉलेज स्टार्ट करने का मेरा एक ही मकसद था कि उस टाइम पे मीरा भाईंदर में ज़्यादातर कोई कॉलेज होती नहीं थी, और बच्चों को ज़्यादातर मीरा भाईंदर से बाहर जाना पड़ता था. और तब मैंने ये एक निश्चय किया कि मैं मीरा भाईंदर के बच्चों के लिए यहाँ पर हम कॉलेज डालेंगे. और तभी 1997 में हमने ट्रस्ट फॉर्म करके पहले स्कूल, बाद में जूनियर कॉलेज, और फिर 2000 से हमने डिग्री कॉलेज स्टार्ट की. 2003 से हमने बीकॉम का फर्स्ट बैच हमारा आया, और इस तरह से आज करीब 20 सालों का हमारा ये सफ़र रहा. और जो कि हमने एक 40 स्टूडेंट से स्टार्ट किया था, और आज करीब करीब 3000 बच्चे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं. और इस तरह की हम आज जो मृदंग जो हम फेस्टिवल यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं कॉलेज की तरफ से, जो करीब 10-12 साल से हो रहा है, लेकिन पिछले 3 साल से ये हमारा थर्ड ईयर है जो हम इतने बड़े स्केल पर मृदंग कर रहे हैं, और जिसमें करीब करीब 40 to 50 कॉलेजेस के बच्चे जो इसमें पार्ट ले रहे हैं, और अपने अपने टैलेंट यहाँ पर आकर दिखा कर जाते हैं, और काफ़ी ट्रॉफियाँ भी बाहर के कॉलेजों में भी जा रही है. तो इस तरह से हमारा एक एम है कि जो भी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होने से बच्चों में एक कॉम्पिटिशन की भावना आती है, और सबसे अच्छा बेस्ट करे वो उनके अंदर एक बोलते हैं ना कि ऐसी भावना उनके अंदर आती है कि हम इनसे बेस्ट करें. तो एवरी ईयर हमारी कॉलेज भी प्रोग्रेस कर रही है, हमारे बच्चे भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, और जो इसमें पार्टिसिपेंट है वो एवरी ईयर कुछ ना कुछ नया लेकर हमारे बीच में आते हैं. थैंक यू. सो नॉर्मली एवरी ईयर स्टूडेंट कम अप विद अ थीम. This year they wanted something, you know, because हमारे काफ़ी students बसई विरार नाला सुपारा से आते हैं, तो वहाँ पर गली गैंग बहुत famous है. तो student came to me, sir ये हम बहुत relate करते हैं, हम ये term से movie के ऊपर है, no doubt, कि हम ये रख सकते हैं क्या. मैंने कहा okay, you know, why not, अगर आप ये term से relate कर सकते हो तो हम ये theme रखते हैं. तो इसके हिसाब से ये theme रखी गई है, क्योंकि हमारे काफ़ी students वो area से भी हैं, और वो बच्चे हैं जो बहुत अच्छा ज़िंदगी में आगे जाके करते हैं, विच इज़ ऑल्सो थीम, यू नो, थिंग ऑफ गली गैंग. सो दे वर वेरी इंस्पायर्ड बाई दिस, एंड लाइक ओके आप लोग ये थीम रख सकते हो. दैट्स हाउ गली गैंग केम इनटू पिक्चर. समथिंग अबाउट द थीम वुड हैव कम टुडे, लाइक यू नो, जय मामी थीम, या गली बॉय थे, सुनाली बॉय थे. हाउ मच डू यू लाइक दे एंजॉय, द स्टूडेंट्स आल्सो एंजॉय, समथिंग अबाउट दैट. Well, both of them are really good personalities, you know, the vibe was very different, they were so energetic. We at RMC were really happy to have them over. Well, about the movie, I'm really looking forward to watch that. I think it's releasing tomorrow, that's on 17th. So I do look forward, ek baar mridang ho jaye, uske baad it may happen, well I tell my students, or let the core committee especially, come on, let's go watch the movie and come back. हो सकता है हम 200-300 स्टूडेंट्स मिलके भी इस लेके जाएंगे और मूवी देख के वापस आए. या जस्ट बी योर सेल्फ एंड यू नो जस्ट हैव अ कॉन्फिडेंस इन वॉट एवर यू डू, इट्स जस्ट दैट मच. या नहीं, हमारा मोटिव यही रहा है कि स्टूडेंट्स को हर फील्ड का, हर क्षेत्र का,
हर स्ट्रीम का एजुकेशन अंडर वन रूफ मिले, इसलिए हमने जो कोशिश चालू की है दैट इज़ एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। और हमारे वहाँ देखिए आप, जूनियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस है, उसके बाद बी कॉम है, बी ए है, बी एस सी आई टी, बैफ, बी एम एम और एम कॉम अभी शुरू हुआ है, एम कॉम पार्ट वन शुरू हुआ है, अभी नेक्स्ट ईयर पार्ट टू होगा। तो इस तरह से हम ये चाहते हैं कि पूरा अंडर वन रूफ, बच्चों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको रीना मेहता कॉलेज में ही आपको मिल जाएगा। और हमारी एकेडमिक जो हमारी टीचर्स हैं वो भी काफ़ी क्वालिफाइड हम रखते हैं, और नेट सेट की हुई क्वालिफाइड टीचर्स हैं हमारे पास जो अच्छा शिक्षण देती हैं, तो बच्चों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और बच्चे यहाँ बहुत खुश हैं। तो अच्छा एजुकेशन, उनको क्वालिटी एजुकेशन रीना मेहता कॉलेज दे रही है। Future plans, we do look forward to, you know, MBA, we do look forward to getting B.Ed, we do look forward to getting PhD here in the campus. So that's our future plan in the course wise, yes, that's what we're looking at right now. Yeah. Thank you everybody for coming thank over you. And taking our interviews, thank you. Thank you so much. Faculty sir ne hum log ki bahut madad ki, wohi abhi tak humko yahan tak leke aaye, please okay. Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.